लो यार, इसी का डर था। मुझे पता था बारिश। एज यू कैन सी, किचन की हालत इतनी खराब हो रखी है ना। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हेलो टू एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग, एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज थर्सडे है और मेरा आज ऑफिस में छुट्टी है। तो जैसे अभी आप सोच लेंगे, अभी मैं ब्लॉग जो है रात को शूट कर रहा हूँ और मैं बाबा के दरबार में आया हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं तब मैं आगे अभी जब यहाँ से अभी जाऊँगा घर की तरफ, तो मैं एक थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँगा मौसम का भी। तो बहुत अच्छा मौसम है, बारिश का मौसम है, ठंड हो गई हुई है। तो वैसे तो मैं ब्लॉग जो घर में शूट करने वाला था, बट फिर मैं सोचा अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो चलो आज का दिन और आज का ये ब्लॉग जो है बाबा के ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बस अब फटाफट से मैं पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद फिर घर जा के बात करता हूँ। ओके, लो यार, इसी का डर था। मुझे पता था बारिश आ जाएगी। और देखो अब तो मैं कैसे जाऊंगा, बारिश आ गई। अब इधर ही वेट करता थोड़ी देर, देन घर से निकलते वक्त मुझे लग रहा था कि बारिश आएगी जरूर, और अब मुझे बारिश को देख के लग रहा है कि बारिश आधा घंटा नहीं रुकेगी। तो फिलहाल अभी मैं यहीं पे वेट करता हूँ, अगर बारिश रुकती है तो निकल जाता हूँ, वरना मैं सोच रहा हूँ फोन को हेलमेट के अंदर छुपाता हूँ और निकल जाता हूँ। वैसे भी आज छुट्टी है तो अगर गीला हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे ना यहाँ पे गांधीनगर भी जाना है, और क्योंकि वहाँ पे मेरा ना पार्सल आया। कोई मैंने एक्चुअली ऑनलाइन कुछ मंगाया था फ्लिपकार्ट से, तो वो आ गया। वो लड़का फोन करके बोला भैया कब आऊँ, तो मैंने बोला मैं अभी गांधीनगर ही हूँ, तो मैं खुद ही आया तो लेने, ठीक है। तेरे को क्यों तकलीफ दूँ भाई, तेरे तेल बच जाएगा, तेरे को तेरा भला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं खुद ही आके ले लेता हूँ। तो अभी बस सोच रहा हूँ फटाफट निकल जाता हूँ गीला होके, तो ठीक है फिर सीधा घर जाके बात करूँगा। तो अभी आ गया हूँ मैं घर में। मैं तो पूरा मतलब पूरा भीग गया था, तो अभी कपड़े वपड़े बदले, तो अब थोड़ा सा काम है। पहले पार्सल खोलता हूँ, पार्सल भी ले आया साथ में। तो थोड़ा सा काम है मेरा किचन में, वो भी आज ख़त्म करना पड़ेगा। तो मेरे पापा को बोला कि खाना वाना खा लेते हैं, तो फिर उसके बाद वो काम भी ख़त्म कर लेते हैं। तो बस अब पहले थोड़ा देर में चाय पीऊँगा, क्योंकि मेरे को इतनी ठंड लग रही है ना, बारिश इतनी ठंडी थी ना आज, तो अब लग रहा है कि विंटर्स आ गए हुए हैं। तो चलो फिलहाल जो जो मेरा काम पेंडिंग है वो करता हूँ, उसके बाद फिर आगे का प्लान करते हैं आज। तो ये वो पार्सल जो मैं लेने के लिए बोल रहा था, तो ऐसे तो पैकिंग ठीक है, अच्छा है। तो चलो अब इसको ओपन करता हूँ, देखता हूँ अंदर सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो ये कर दिया मैंने इसको इंस्टॉल। लाइट्स देखो यार, अब तो पैसा वसूल है भैया, मुझे कोई टेंशन नहीं। पहले मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी एक्चुअली। ऐसे प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट में ना कई बार लगता है कि मतलब डुप्लीकेट आ जाए या कुछ और फेक हो, पर नहीं, क्वालिटी भी अच्छी है। मैंने भी इसमें म्यूज़िक प्ले किया था, तो म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छी वॉइस दे रहा है ये, मतलब ठीक ठाक है, तो सही है यार। एज यू कैन सी, किचन की हालत इतनी ख़राब हो रखी है ना, मतलब एक्चुअली ये काम था जो पेंडिंग था, ये वॉलपेपर मैंने ना ऑनलाइन मंगाया था। तो मतलब काफ़ी टाइम से मतलब मैं सोच रहा था यहाँ पे ना वॉलपेपर लगा दूंगा, तो आज बस अभी हमने वैसे लगा लिया ऑलमोस्ट। बट अभी हुआ प्रॉब्लम ये कि इसमें ना कहीं पे ना गम में प्रॉब्लम आ रही है। तो पापा बोल रहे थे कि यार अब बिना सोल्यूशन के होगा नहीं, तो बस पापा सोल्यूशन लेने गए। जैसे सोल्यूशन लेके आते हैं तो फिर इसको भी ख़त्म करते हैं, तब तक मैं थक चुका हूँ, क्योंकि इतना मेहनत लगा ना इसमें कसम से। पापा ने अगर साथ नहीं देते हैं तो मेरे से अकेले से तो नहीं लगता। तो ठीक है, पापा सोल्यूशन लेके आ रहे हैं मदन की दुकान से, तो तब तक मैं थोड़ा सा लेट लेता हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। अभी टाइम हो रहा है 8:30, और मैं अभी ना लाइट वियर लेके आ गया हूँ। तो मैं सतवारी गया था लाइट लेने, एक्चुअली क्या हुआ कि ना मेरे को सिटी जाना था पहले, तो फिर मेरे पास टाइम भी कम था, और आपको पता है मौसम आज ख़राब है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं सिर्फ भैया के साथ गया था नई बस्ती कुछ काम से, तो भैया ने बोला कि वहीं पर भी मतलब लाइट वियर मिल जाएगी, तो वहीं से ले लेते, तो हमने भी वहीं से लाइट ले लिया, ठीक है। तो मैंने ब्लू और पिंक ये दो कॉम्बिनेशन बना के लिया। एक्चुअली मेरे को ब्लू और वाइट लेना था, किसी ने रिकमेंड किया था कॉम्बिनेशन, बट वो मिला ही नहीं।
मेरे को भूख भी यार लगी है, पहले मैं कुछ खा लेता हूँ, किचन में आया था तो खा के फिर मैं जाता हूँ पर लाइट लगाने। मुझे लग रहा आज 11-12 बज जाएंगे लाइट लगाते, बट आज लगा लूंगा। ठीक है, तो लाइट वगैरह लगाने के बाद तो फिर दिखाता हूँ आपको कि मैंने कैसे मेहनत करके लाइट लगाई हुई है। ठीक है, फाइनली मेरी लाइट लग चुकी है। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट लगा लिया है, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, वो मैं सोचा कल मॉर्निंग में लगाऊंगा क्योंकि अभी 11:30 हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है काफ़ी लेट हो जाएगा। और ठीक है, तो ऑलमोस्ट लग चुका सारा लाइट, तो आस पड़ोस में सब ने लगा लिया लाइट, तो अब जो रेस्ट बचा हुआ है मैं सोच रहा हूँ कल लगाऊंगा। फ़िलहाल आज तो मैं थक चुका हूँ और मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि आज जो बारिश हुई ना उसकी वजह से ना इतनी ठंड बढ़ गई है ना अचानक से, तो इसलिए मैंने आज थोड़ा सा कपड़े अब सोच रहा हूँ गर्म वगैरह निकाल लेता हूँ क्योंकि अब मुझे लग रहा है एक दिन में मौसम और ख़राब होता जाएगा। तो चलो हैप्पी विंटर्स, तो सर्दियाँ आती तो अच्छा ही लगता है ना। तो फिलहाल मेरे को अब लगी बहुत ज़्यादा नींद, तो मैं जाके अब सो रहा हूँ, तो मैं कल ही बात करूँगा। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 11:30 बज चुके हैं और मैं अभी ऑफिस में आ गया हूँ। तो आज मैं एक्चुअली लेट हो गया हूँ, किसी वजह से लेट हो गया था, बट कोई नहीं छोड़ो। तो फिलहाल आज मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि आज मेरे को बहुत सारा एक रिपोर्ट्स बनाना है और आज ही वो सबमिट करवाना है। ऊपर से जैसे आपको पता था कि मेरे को दिवाली के लिए कुछ सामान पेंडिंग है वो लेना है, तो मुझे लग रहा है वो आज लेने का टाइम मिल नहीं पाएगा, बट कोई नहीं, मैं पापा को बोल दूंगा कि वो जाके ले ले मार्केट से। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि अब इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ब्लॉग ना काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। ठीक है, तो मैं भी शायद दिवाली की ब्लॉग में बनाऊंगा, तो वो भी आपको मतलब जल्दी मिल जाएगा दिवाली के नेक्स्ट डे, तो कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ। तो ठीक है, तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप लोग मेरा मतलब वीडियो देखते हो, टाइम निकाल लेते हो, तो और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए। और जब भी आप वीडियो देखते हो तो उसमें लाइक और कमेंट जरूर करना क्योंकि उस चीज़ से क्या होता है कि हमारे जो वीडियो होता है ना उसका ना रैंकिंग बढ़ता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट और कर देना। ठीक है, तो ओके गाइज, इट्स टाइम टू से गुड बाय। तो अब मैं ब्लॉग को ये पैन करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी, अपने साथ वालों का भी। सो बाय।